देश में दलितों की पिटाई और उन पर आकारण अत्याचार के प्रकरण पर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर होता रहा है। शायद इसी दबाव में किरण की मोदी सरकार ने दलितों का अत्याचार निवारण अधिनियम लेकर आई है, मगर दलितों पर अत्याचार में कमी नहीं आ रही है। ताजा मामले सामने आए हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद से, यहां जहां आवारा पशुओं ने खेत क्या चर लिया तो दबंगों ने खेत की रखवाली करने वाले दलितों की पिटाई कर दी। दबंगों के खेत की रखवाली करने वाले दलितों पर दबंगों का कहर टूट पड़ा, क्योंकि उनके खेत को आवारा पशु चर रह गए थे और दलितों ने खेत की रखवाली नहीं की थी। पीड़ित परिवार दबंगों के कहर से दहशत में है। क्या नाम है आपका? नीला। क्या हुआ आपके साथ आज? जो हमारे बच्चे को मार रहे थे, खेत बटाई बोए था तो कहीं रखाने नहीं जाते हो, तो हमारे बच्चे को मारने लगे, तो हम बचाने के चक्कर में बचाने लगे, हमारी सास के मारने लगे, बुढ़े को मारा, हमको मारा खींच खींच के, और बच्चे को हमारे मारा फोकस के। कौन लोग हैं ये जो मार? ठाकुर। क्या कहते हैं? सत्यम और सत्यम मारी नहीं हमका, सत्यम के पापा गुड्डू और उनके भाई हैं रिंकू। अच्छा, काहे मारे हैं? खेत बटाई था वो। बोल, क्या नाम है आपका? बसनलाल। किस गांव से आए? तलवारी से। क्या मामला है? साहब उर्द और मक्का उनके खेत में बोए थे, तो हम साहब घर में रहे नहीं, लड़का हमारा बड़का रहा, तो उसे कहें साहब नचनिया तुम घर खेतों नहीं जा सकते हो, तो कहे तुम नचनिया बस इका मारे लायक इका मारे महतारी हमारे बचाने लगी, बचाने कहते महतारी को मारा, फिर वाइफ हम रही अट्टी इनको साहब गिरिया के बाट पकड़ के खूब गिरिया गिरिया मारा। तो काहे मारने लगे भाई? भाई जंधरी रखावन के बारे में पशु चरते छोड़ो वाले छुट्टे वाले जो पशु हैं प्राण वैसा वो सर चरते थे। इसकी शिकायत आपने वहाँ चौकी पे दलितों की पिटाई की, क्या मानता है? हाँ, ये प्रॉब्लम में जानकारी में आया है, लोग हमसे मिले भी थे, मैंने उसको सीओ साहब बोला है कि इसको चक्कर मुकदमा क्यों नहीं कायम हुआ और तत्काल मुकदमा कायम कराएं और इसकी विवेचना कराएं। इस प्रकार की लापरवाही बिल्कुल अक्षम्य है, अगर घटना सत्य है तो मुकदमा कायम होना चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये भी प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है कि वो उनके साथ खेत वगैरह बोते थे और शायद खेत की रखवाली को लेकर के विवाद हुआ था, तो अगर विवाद सत्य है तो मुकदमा क्या होना चाहिए।